हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम वैदिक मैथ्स सीरीज़ का पार्ट टू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें स्क्वायर, अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं विदाउट द कैलकुलेटर और बहुत फास्ट रेट पे, रैपिड रेट पे, और बहुत लॉन्ग से लॉन्ग नंबर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें 6 का स्क्वायर करना है तो आंसर क्या आएगा। 6 का स्क्वायर थोड़ा बेसिक है और आप लोगों को आता भी होगा, बट अगर इसी की जगह थोड़े बड़े नंबर्स आ जाएं, जैसे कि 999 का स्क्वायर, या फिर 96 का स्क्वायर, या फिर 99 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जब हमें किसी नंबर का स्क्वायर करना होता है तो हमें सबसे पहले बेस सेलेक्ट करना होता है। अब बेस क्या होता है? बेस होते हैं 10 के नंबर्स इन द पावर ऑफ 10, जैसे कि 10, 100, 1000। आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि 10 और उसके बाद एक एक जीरो बढ़ानी है, 10, 100, 1000। तो आपको ऐसे इसमें नोटिस करना है, यहाँ पर एग्जामिन करना है कि जो 6 हमें नंबर दे रखा है क्वेश्चन में, उसका सबसे क्लोजेस्ट बेस कौन सा है, इसके सबसे पास बेस कौन सा आता है, 10 या 100। 10 आता है तो बेस हमारा यहाँ पर हो गया 10, ठीक है दोस्तों। अब जो हमें नंबर दे रखा है, जो कि यहाँ पर क्या है 6, और बेस हमारा क्या है 10, तो गिवन नंबर में से हमें बेस को माइनस करना है। ये हो गया -4, 6 - 10 - 4, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो यहाँ पर आया है नंबर, जो कि यहाँ पे -4 आया है, ये हमें गिवन नंबर में प्लस करना है, 6 + -4 - 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो यहाँ पे हमारा नंबर आया था, नंबर और बेस को माइनस कर कर जो था -4, इसका हमें स्क्वायर करना है, तो -4² = 16, ठीक है दोस्तों। अब एक बात याद रखनी है कि हमें RHS पे इस साइड से लिखना होता है कि जो हमारा ये आता है स्क्वायर करके नंबर, और RHS पे हमें लिखना होता है जो कि हमारा प्लस कर कर आता है नंबर, मतलब यहाँ पर सम और यहाँ पर प्रोडक्ट, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखनी है कि जो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज इन द बेस। बेस में जितने ज़ीरो होंगी उतने ही डिजिट यहाँ पर आएंगे, तो जैसे कि हम नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ पर बेस में केवल एक ही ज़ीरो है, ठीक है, तो यहाँ पर डिजिट भी एक ही आना चाहिए। बट हमारे पास तो दो डिजिट है, दो डिजिट का प्रोडक्ट आ रहा है 16, तो इसे वन डिजिट में कैसे करें? हम यहाँ पर 6 लिखेंगे और वन क्या आ जाएगा, एज अ कैरी चला जाएगा, और यहाँ पर क्या था सम 2, तो 2 + 1 = 3, और ये 6, आंसर हो गया 36, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 999 का स्क्वायर। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियो पॉज करें और ये खुद ट्राई करें। आई होप आपने वीडियो पॉज करी होगी एंड खुद ट्राई करा होगा। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। 999 के सबसे क्लोजेस्ट बेस क्या है, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 होगा, तो यहाँ पर हमारा बेस हो गया 1000, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें गिवन नंबर में से 1000 को माइनस करना था, ठीक है, -1 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्या है, हमें जो गिवन नंबर है उस पर हमें डिफरेंस को प्लस करना है, 999 + -1 = 998, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, हमें -1 का स्क्वायर करना है, -1² = 1, तो आंसर क्या हो गया, 998001। ये 001 क्यों आया है, क्योंकि हमें उतने डिजिट्स लिखने हैं जितने ही बेस की ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ हैं बेस में, तो यहाँ पर क्या हो गया 001, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 96 का स्क्वायर। इसमें अब पहले आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज करी एंड खुद ट्राई किया है, तब इसका आंसर देख लेते हैं। 96 के सबसे क्लोजेस्ट बेस कौन सा है, 10
नाइन, हंड्रेड या हंड्रेड क्लोज है, तो बेस हम इसमें एज्यूम करते हैं हंड्रेड। अब देखिए आपको नेक्स्ट स्टेप क्या था, याद कीजिए। राइट, 96 में से हमें 100 को माइनस करना है। 96 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 4। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था कि हमें जो गिवन नंबर है उसमें प्लस करना है माइनस 4। तो 96 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 92। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था जो हमारा डिफरेंस आया था माइनस 4 उसका स्क्वायर करना था, तो माइनस 4 का स्क्वायर कर दिया तो आंसर आ गया 16। अब सिंपल, अब तो हमारा हो गया है। अब यहाँ पे हमें बस सम लिखना है RHS पे और LHS पे, प्रोडक्ट लिखना है 92 16। पर एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि जो प्रोडक्ट में डिजिट्स हैं वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर बेस में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं 2 और प्रोडक्ट में भी डिजिट हैं 2, तो हमें टेंशन की बात नहीं है। 92 16 इज़ आर आंसर। देयरफोर 96 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9216। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 99 का स्क्वायर। अभी तक तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा एंड ये बहुत ईजी एग्जांपल है, तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ इसके बारे तो ज़रूर वीडियो को पॉज करें एंड ट्राई करें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ आपको आ गया है। तो आई होप आपने वीडियो पॉज कर दिया एंड खुद ट्राई किया। तो अब स्टार्ट करते हैं 99 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है क्या, सोचो, या बेस फाइंड करना। यहाँ पर बेस क्या है, 10 नहीं 100, या 100 होगा यहाँ पर बेस, तो 100 हमारा बेस हो गया। नेक्स्ट स्टेप होता है क्या, गिवन नंबर में से बेस को माइनस करना। 99 में से आपने 100 को माइनस कर दिया, आंसर हो गया -1। नेक्स्ट स्टेप, जो डिफरेंस कर आया है उसे गिवन नंबर में ऐड कर दो। 99 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 98। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप होता है जो डिफरेंस था उसका स्क्वायर कर दो। माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब क्या होगा आंसर, क्या आंसर है 981? नहीं, आंसर होगा क्या 9801। 01 क्यों, क्योंकि बेस में दो डिजिट है तो प्रोडक्ट में भी दो डिजिट्स होने चाहिए। अब 1 को आप दो डिजिट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, 01। या तो 99 का स्क्वायर हो गया 9801। तो अब सम अप कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है इस वीडियो में, इस वैदिक मैथ के ट्रिक को सम अप करते हैं। तो सपोज हमें एक ए नंबर है कोई भी, उसका नंबर को हमने एज्यूम कर लिया ए, इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम कैसे करें, सबसे पहले आपको बेस फाइंड करना है कि नंबर के सबसे क्लोजेस्ट बेस कौन सा है, फिर जो नंबर दे रखा है उसमें से आपको बेस को माइनस करना है। हमने सोच लिया, हमने ज्यूम कर लिया कि जो डिफरेंस आ रहा है नंबर और बेस को माइनस कर सी मान लिया हमने उसे, तो आपको LHS पे क्या लिखना है, सम लिखना है ए प्लस सी, और RHS पे प्रोडक्ट लिखना है सी इंटू सी, मतलब कि सी का स्क्वायर। बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे प्रोडक्ट में वो इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ जीरोस इन बेस। बस इतना सिंपल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड आप परफॉर्म कर पा रहे होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है एंड आप किसी भी स्टेप पे अटकते हैं, नहीं हो पाता है परफॉर्म, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ट्रिक कैसी लगी, आप कर पा रहे हैं, और क्या आपको ट्रिक्स की वीडियो अच्छी लग रही है, क्या आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोज़ चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।